स्टॉप 5 सेक्स एडिक्शन मूवी जिससे बच्चे दूर रहें। नंबर 5 पे थे 50 शेड्स ऑफ ग्रे जो आई थी 2015 में, जिसकी रेटिंग है 4.2 की। एक लिटरेचर स्टूडेंट की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है जो एक हैंडसम बिलियनर क्रिस्टियन ग्रे से मिलती है, फिर वो दोनों अलग अलग तरीके से रोमांस करते हैं। नंबर 4 पे थे थैंक्स फॉर शेयरिंग जो 2012 में, जिसकी रेटिंग 6.4 की। इस मूवी की कहानी में तीन अलग अलग करेक्टर को एक साथ लाने की कोशिश की गई है जो एक चुनौतीपूर्ण और अक्सर भ्रमित करने वाली दुनिया का सामना करना सीख रहे हैं, क्योंकि वे एक आम राक्षस के खिलाफ एक साथ संघर्ष करते हैं जिसका नाम है सेक्स किलत। नंबर 3 पे थे डॉन जॉन जो आई थी 2013 में, जिसकी रेटिंग 6.5 की। कहानी में एक ऐसा पॉर्न एडिक्ट लड़का होता है जो स्कारलेट के साथ रिलेशनशिप में रहता है, जो अपनी पॉर्न एडिक्शन की वजह से अपनी रिलेशन को बर्बाद कर देता है। नंबर 2 पे थे निम्फोमैनियाक जो आई थी 2013 में, जिसकी रेटिंग 6.6 की। सेलिंग मैंग नाम का एक आदमी एक बेहोश घायल महिला को एक गली में पाता है और वो उसे घर ले आता है, जो उसे बताती है कि उसका नाम जो है और वह निम्फोमैनियाक है, जो एक यंग टीनेजर होने के बाद सैकड़ों मर्दों के साथ अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बताती है, जबकि सेलिंग मैन अपने शौक के बारे में बताता है, जैसे मछली पकड़ना, फाइबोनैची नंबर्स के बारे में पढ़ना या ऑर्गन म्यूजिक सुन। नंबर 1 पे थी सेक्रेटरी जो आई थी 2002 में, जिसकी रेटिंग 6.9 की। एक यंग वुमेन जिसे हाल ही में एक मेंटल हॉस्पिटल से रिहा किया गया होता है, जो एक डिमांडिंग लॉयर के सेक्रेटरी के रूप में नौकरी करती है, जहां उसकी सेक्सुअल रिलेशन एक बुरे संबंध में बदल जाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे आप करिए, और आप अपनी फेवरेट मूवी या सीरीज कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।